हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका एचडी डिफेंस चैनल में। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक से यूक्रेन को भारत की याद आ गई है और जेलेंस्की को भारत याद आने की वजह जानकर आप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, वजह जानने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। भारत को चाहे यूएन काउंसिलिंग में परमानेंट सीट पाना हो या फिर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रस्ताव यूएन के अंदर पारित करवाना हो, यूक्रेन ने भारत का हमेशा से ही विपक्ष में समर्थन दिया है और भारत की किसी भी क्षेत्र में मदद नहीं की। और फिर भी हमारे भारत देश ने लाखों विद्यार्थियों को यूक्रेन में पढ़ने के लिए वीज़ा का समर्थन दिया। और जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो पूरे विश्व में दोस्तों एक हमारा भारत देश ही था जो कि अपने देश के हर एक नागरिक को सही सलामत यूक्रेन से निकालकर भारत में ले आए। और उस मुश्किल घड़ी में भी यूक्रेन ने किसी भी प्रकार की मदद नहीं की, बल्कि रूस ने भारत के कहने पर 6 घंटे के लिए अपना युद्ध का विराम दे दिया। और कहते हैं ना दोस्तों कि दिन सबका आता है, आज वही यूक्रेन के प्रधानमंत्री सभी यूरोप देश चीन सबसे मदद मांगने के बाद भी निराशा ही उनको हाथ लगी है और आज उन्हें भारत की शरण में आना ही पड़ गया। और अपनी याचिका लाते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि हम भारतीय सरकार से हुए हमारे रवैये के लिए हम क्षमा मांगते हैं और हम भारतीय सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमें मेडिकल इक्विपमेंट समेत सभी अतिरिक्त मानवीय सहायता दी जाए, क्योंकि इस युद्ध की घड़ी में हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। और दोस्तों, इतना सब होने के बाद ही मात्र 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर यमीन झाप्रोवा का एक चौंका देने वाला बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि हम भारत को सलाह देते हैं कि भारत उन दुश्मनों को पहचाने जो सोचते हैं कि वो गलत करके बच निकल जाएंगे। वैसे दोस्तों, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के बयान को लेकर हमारे भारतीय सलाहकारों की माने तो उनका कहना है कि यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्टर का इशारा पाकिस्तान और चीन की तरफ था, क्योंकि वो चाहती हैं कि भारत के अंदर कुछ न कुछ विद्रोह हो जिसकी वजह से इंटरनेशनल फोरम में भारत के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इससे तो बस एक ही चीज़ साबित होती है कि एक तरफ यूक्रेन के प्रधानमंत्री मदद भी मांग रहे हैं और एक तरफ यूक्रेन के ही फॉरेन मिनिस्टर भारत को डराने एवं धमकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है यूक्रेन से आए ऐसे बयानों को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। और इसी के साथ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।